वेलकम बैक टू मा स्टडी दोस्तों माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर फॉर नेक्स्ट थर्टी डेज जी हाँ दोस्तों आई वेलकम यू इन थर्टी डेज एडवांस इंग्लिश चैलेंज दोस्तों अगले तीस दिनों में आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे इसकी गारंटी मैं देता हूं नो बडी इज गोइंग टू गिव यू गारंटी बट आई एम मेकिंग यू प्रॉमिस

30 दिन तक अंग्रेजी बोलना सीखे बिल्कुल फ्री में सिर्फ स्टडी पर दोस्तों आज की क्लास में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं आपको दिखाता हूं एक झलक आपको पता चल जाएगा आपको मजा आ जाएगा दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक टॉपिक का नाम ये बहुत बेसिक टॉपिक है जो हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है लेकिन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा दोस्तों इस, इस टॉपिक के कंसेप्ट को समझेंगे उसके बाद सारी लाइव प्रैक्टिस करवाऊंगा क्लास के दौरान जो ऐसे सेंटेंसेस जो आपकी डेली लाइफ में बोले जाते हैं जैसे मुझे खाने दो मुझे खेलने दो मुझे कपड़े धोने दो इसके बाद थोड़ा टफ लेवल भी आएगा और प्रैक्टिस लाइव होगी दोस्तों लोग आपको पढ़ा के चले जाते हैं कंसेप्ट देते हैं चले जाते मैं आपको लाइव प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा पहले आपसे पूछूंगा फिर आप आंसर देना फिर मैं राइट आंसर बताऊंगा इसी को तो बोलते हैं सही लर्निंग और सही लर्निंग मिलती है यहाँ पर इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर Right रोज़ रात को बजे मेरे साथ जुड़ जाइए। अगले तीस दिन दि, दिनों तक आपकी इंग्लिश सिखाने की गारंटी मेरी इस तरीके से सारी प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा उसे घर साफ करने मत दो उसे मोबाइल खरीदने मत दो उसे मोबाइल चलाने मत दो ऐसे सेंटेंसेस भी आज हम सीखने वाले हैं इसके बाद हम क्या करने वाले हैं दोस्तों इसके बाद हम लेट्स पढ़ेंगे और लेट्स की पूरी की पूरी प्रैक्टिस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेट्स का नेगेटिव सेंटेंस भी सीखेंगे तो ये सारे सेंटेंसेस की लाइव प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद रोज मैं आपको टॉप टेन वॉकैबलरी सिखाता हूं इसलिए आज भी ये वाली वॉकैबलरी आपको सिखाऊंगा आपको याद भी करवाऊंगा क्या आपको पता है शर्मिला को कोए बोलते हैं क्या आपको पता है घंश चक्कर को निन्नी बोलते हैं चक्कर को क्या बोलते हैं निन्नी बोलते हैं ऐसे मजेदार वर्ड्स रोज टेन वर्ड्स आपको सिखाऊंगा पचास सौ वर्ड्स दूंगा तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा बेकार लगेगा मजा नहीं आएगा भूल जाओगे ओनली टेन वर्ड्स आई विल टीच यू रेगुलरली सिर्फ दस वर्ड सिखाऊंगा लेकिन वर्ड ऐसे जो आप यूज कर पाओगे आज से ही किसी को शर्मिला बोलना हो तो क्या बोलोगे अगर किसी को बोलना हो घनचक्कर तो क्या बोलोगे निन्नी ऐसे वर्ड्स अभी मजा आने वाला है तो पहले हम टॉपिक को पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद टॉप टेन वर्ड्स आज के दूंगा एट दी इन दी एंड और उसके बाद साहट क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट साहट ये सिक्सटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट आपके मोबाइल में डाल दूंगा घर बैठे इसको प्रिंटआउट निकालो और आप इसे सॉल्व भी कर सकते पूरे सिक्सटी क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी कम नहीं मिलेगा पूरे साहठ क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो ये सारा आज का पूरा का पूरा खेल है चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं लेट्स कम टू द पॉइंट चलिए शुरुआत करते हैं और आज है हमारा सेकेंड डे तो सेकेंड डे में आप सभी का स्वागत है फटाफट आ जाइए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत सिंपल है आज से बोलना शुरू कर दोगे पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा फिर ग्रेजुअली वी विल मूव टुवर्ड्स द टफ लेवल और सही लर्निंग यही होती है कि जीरो से लेके हीरो तक का सफर ऐसे शुरू होता है तो तीस दिन तक मुझे आप तीस घंटे दीजिए मैं आपको बदले में गारंटी के साथ अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान दूंगा वो भी सिस्टमेटिक कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं पहले पढ़ाता हूं फिर प्रैक्टिस करवाता हूं फिर होमवर्क देता हूं यही सही तरीका है और मुझे मेरे टीचर्स ने ऐसे ही सिखाया है एंड दैट्स वाई आई एम हियर टू टीच यू फ्लुएंट इंग्लिश नेक्स्ट थर्टी डेज चलिए शुरू करते हैं फटाफट आप आ जाइए मी चेक मुझे देखने दीजिए कि आप लोग कितने लोग लाइव आ चुके हैं फटाफट मी चेक कितने लोग लाइव आ गए हैं क्या बात है बहुत सारे लोग वेरी गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबडी एम आई ऑडेबल क्या मेरी आवाज ठीक है क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है एम आई ऑडिबल एम आई ऑडेबल गाइस फटाफट लाइक कर दीजिए एम आई ऑडेबल गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग फटाफट लाइक आज के शानदार सेशन में आप सभी का स्वागत है गारंटी दे रहा हूं स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए आज जो पढ़ाऊंगा अगर नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा शुरू से अटेंड करिए स्टार्टिंग से जो पढ़ाऊंगा आज उसको बोल के देखना है क्योंकि सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं इंस्टेंटली आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा प्रैक्टिस शीट बनाइए आपके लिए क्लास में प्रैक्टिस होगी पढ़ा के घर नहीं जाने वाला हूं जब तक आप सेंटेंस बना के नहीं दिखाओगे आई एम गोना स्टे हियर आई एम गोना स्टे हियर अंटिल यू मेक दिस सेंटेंस इन टू इंग्लिश दैट्स वाई आई हैव ब्रॉट यू अ वेरी गुड प्रैक्टिस सेशन फटाफट सभी जगह जितने भी जगह है सभी जगह इसकी लिंक को शेयर कर दीजिए इतना सा निवेदन है कम से कम पांच व्हाट्सएप ग्रुप्स पांच व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए पांच व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने भी शेयर कर दिया है आप भी इसे शेयर कर दीजिए पांच व्हाट्सएप ग्रुप्स में ताकि सभी लोग हमसे जुड़ जाए और आज का धमाकेदार सेशन शुरू हो जाए चलिए समय हो चुका है मेरी वॉइस प्रॉपर्ली है मेरी वॉइस प्रॉपर्ली है चलिए लेट्स बिगिन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग लेट हो गया कोई लेट नहीं हुआ शुरुआत हुआ है चलिए फटाफट लाइक करिए थैंक यू गाइस चलिए आज बहुत मजा आने वाला है क्लास में क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड सिखाऊंगा जो आपको मजा आएगा चलिए दोस्तों थर्टी डेज का हमारा कोर्स है आज हमारा सेकेंड डे है अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी हाथ जोड़कर निवेदन है क्लास क्लास के के खत्म होने बाद डे डे जरूर देखना कल मैंने मैंने की क्लास ली थी लोग बोले सर थोड़ा कठिन लेवल हो गया था कहा भाई लास्ट तक टिकेगा तो सरल लगेगा स्टार्टिंग में थोड़ा टफ ही लगता है तो डे वन जरूर देखिए बढ़िया बढ़िया कॉमेंट छोड़ के आए वहां पर सारी कॉमेंट्स को लाइक करूंगा आज हमारा डे टू आज डे टू में हमने टॉपिक लिया है यूज ऑफ लेट और लेट्स ये गलत में मत रहना की लेट और लेट्स आता है इसका कुछ नया वर्जन बताऊंगा कुछ नया तरीका बताऊंगा जो आप यूज करेंगे अपने डेली लाइफ में दोस्तों लेट और लेट्स में डिफरेंस है मैं आपको समझा देता हूं बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं बहुत सिंपल है देखिए एक होता है लेट्स बहुत सिंपल है और एक होता है लेट ठीक है लेट्स का मतलब क्या होता है जब आपको बोलना है कि चलो कोई काम करते हैं चलो कोई काम करते हैं जब भी आपको बोलना जब भी हम जब भी हम एक साथ कोई काम करते हैं तो वहां पर क्या लगाते हैं लेट्स लगाते हैं इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है आप सबसे आगे लेट्स रख दो उसके बाद आप रख दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहां पर रख दो ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत ही आसान है जैसे मैंने कहा कि चलो भागते हैं चलो भागते हैं तो जैसे ही आपने कहा ऐसा कोई सा भी काम जो एक साथ हो रहा है चलो भागते हैं तो चलो के लिए क्या लगा देंगे अंग्रेजी में लेट्स लगा दिया समझ में आया कि नहीं आया आया चलो के लिए क्या लगाओगे लेट्स लगा दोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भागना तो लेट्स रन अब कहां भागना है दिया ही नहीं ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं हर बार ऑब्जेक्ट दे लेट्स रन चलो भागते हैं अगला सेंटेंस आपको दिया चलो चलो अंग्रेजी सीखते हैं अरे भाई ये भी बहुत जरूरी है चलो अंग्रेजी सीखते हैं बहुत सिंपल है कैसे बनाएंगे चलो को क्या बोलेंगे लेट्स बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब ढूंढो वर्ब अंग्रेजी वर्ब है क्या आंसर इस नो वर्ब की पहचान क्या है जाना खाना लड़ना पीना झगड़ना जिस शब्द के लास्ट में ना आता है वो वर्ब होता है पर नाना वर्ब नहीं है क्योंकि नाना नाउन है नाना जी की बात कर रहे वर्ब क्रिया तो यहां पर देखिए चलो सीखते हैं चलो अंग्रेजी सीखते हैं लेट्स लर्न इंग्लिश लेट्स लर्न इंग्लिश क्या बोला लेट्स लर्न इंग्लिश समझ में आया कि नहीं आया अब यहां पर क्या होता है यहां पर क्या होता है लेट में क्या होता है कोई काम होने दो कोई काम होने दो अभी प्रैक्टिस करने वाले जाना मत कहीं। बहुत सारी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं समझ में आया कि नहीं आया बहुत सारी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं बहुत सारी इसलिए फटाफट समझो बात को पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा यह बहुत सिंपल सा टॉपिक हमने समझा अब देखिए लेट का मतलब होता है कोई काम होने दो तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या लगाएंगे सबसे पहले लेट लगा दो लेट के बाद यहां पर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या आ जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मैंने आपको कल भी समझाया था जैसे आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है मी होता है तो लेट लगाया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा बहुत सिंपल है क्वेश्चन करके देखते हैं जैसे जैसे कोई काम होने दो दो आपने कहा कि उसे जाने दो, उसे जाने दो कोई काम होने दो शब्द के लास्ट में क्या आया दो दो तीन चार की बात नहीं हो रही जाने दो उसे जाने दो पहले क्या लगा दोगे लेट लगा दोगे फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उसे को क्या बोलते हैं उसे को बोलते हैं ही लेकिन ही ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है तो ही सब्जेक्टिव फॉर्म है इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा मित्र इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हिम समझ में आया शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा मित्र शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हर आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा मित्र आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा मी या ना बोल भाई समझ में आया कि नहीं आया तीस दिनों के अंदर अंग्रेजी सीखने के लिए इतनी ही एनर्जी चाहिए जितनी मेरे अंदर है अगर इतनी एनर्जी के साथ सीखोगे तो मैं लिख के दे रहा हूं स्टाम्प पेपर पर अगले तीस दिनों में अंग्रेजी बोलोगे लेकिन रोज बजे घंटा टाइम निकालना पड़ेगा संघर्ष करना पड़ेगा लड़ना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी बहुत सारे प्रलोभन आएंगे लेकिन आपको क्लास छोड़ के कहीं नहीं जाना है बाबू सोना का मैसेज भी आ जाएगा बीच बीच में तो भी नहीं जाना है कहीं पे। समझ में आया कि नहीं आया या ना बोल भाई आ गया समझ में आया कि नहीं आया चलिए तो यहां पर देखिए उसे जाने दो लेट लेट के बाद उसे को बोलेंगे लेट हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसे को ऑब्जेक्टिव ऑन लेट हिम गो ये आपका सेंटेंस हो गया लेट हिम गो उसे खाने दो क्या बोलोगे लेट हिम ईट तो चलिए एक सेंटेंस आपको देता हूं आप बनाओ कि हमें 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 पढ़ने दो इसको कैसे बनाएंगे हमें पढ़ने दो कैसे बनाएंगे हमें पढ़ने दो कैसे बनाएंगे हमें पढ़ने दो कैसे बनाएंगे अब देखो दो के लिए क्या लगा दोगे और हमें को क्या बोलेंगे हमेंगे स्टडी समझ में आया तो दोनों में क्या डिफरेंस है लेट्स का मतलब क्या होता है लेट्स के बाद सीधा वर्ब आता है जैसे हम बोलते हैं चलो भागते हैं लेट्स रन चलो नाचते हैं लेट्स डांस चलो गाते हैं लेट्स सिंग चलो पढ़ाई करते हैं लेट्स स्टडी चलो अंग्रेजी सीखते हैं लेट्स लर्न इंग्लिश चलो पत्र लिखते हैं लेट्स राइट लेटर इधर क्या होगा कोई काम होने दो अकेला लेट देखो यहां पर ये लग गया इसका फुल फॉर्म पता है क्या होता है लेट का फुल फॉर्म होता है लेट क्या होता है लेट का क्या होता है अस अब इधर आ जाओ कोई काम होने दो जैसे हम बोलते हैं अरे सफाई होने दो या फिर जैसे आपने कहा कि उसे जाने दो लेट हिम गो उसे खाना बनाने दो लेट हिम कुक फूड अरे मुझे पढ़ाई करने दो लेट मी स्टडी मुझे नाचने दो लेट मी डांस मुझे सोने दो लेट मी स्लीप तो आज मैं आपको इस टॉपिक का पूरा कंसेप्ट बताने के बाद इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाऊंगा डब्ल्यूएच बनवाऊंगा जितना भी बन पाएगा और लास्ट में वोकैबुलरी दूंगा और सारे नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे ये नोट सारे मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा और मास्टडी ऐप पर भी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे परिभाषा क्या होती है ऐसे सेंटेंसेस देखो लेट का प्रयोग पहले सीख रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस साथियों ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमें यह बताना हो कि कोई काम होने दो ये सेंटेंस को लाइक like करो या कोई काम करने दो ये सेंटेंस को अंडरलाइन करो तो वहां पर हम लेट का प्रयोग करते हैं लेट से संबंधित वाक्यों में हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन याद होनी चाहिए ठीक है यहां देखिए इसके अलावा लेट का यूज हम एक और तरीके से करते हैं एक तो कोई काम होने दो और एक और लेट का इस्तेमाल कहां करते हैं टू परमिट जब हमें किसी को कोई परमिशन देनी हो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस इंग्लिश है थोड़ा एडवांस चलेगा जब हम किसी कार्य को करने के लिए जब हम किसी कार्य को करने के लिए परमिशन देते हैं तब भी वहां पर लेट लगाते हैं मैं उसे अंग्रेजी नहीं बोलने देता हूं अभी सिंपल बनाते हैं सिंपल मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूं इस वाले वाक्य को जरा बना के दिखाओ इसमें क्या हो रहा है इस सेंटेंस में क्या हो रहा है मैं परमिशन दे रहा हूं मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूं तो जब ऐसा वाक्य आ जाए तो आप क्या बोलोगे आय बोलो बोलो आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश ऐसा बनेगा क्या बनेगा आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूं आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश मैं उसे अंग्रेजी नहीं बोलने देता हूं नेगेटिव आएगा तो और डू लगा देंगे आई के साथ डू नॉट लगेगा आई डोंट लेट हिम स्पीक इंग्लिश मतलब मैं उसे अंग्रेजी नहीं बोलने देता हूं मैंने उसे जाने दिया तो ये यहां पर पास्ट आ गया आई लेट हिम गो मैं उसे जाने दूंगा आई लेट हिम गो क्योंकि लेट का पास्ट तो लेट ही होता है सेकेंड फॉर्म तो लेट का लेट तो लेट का दो तरीके से इस्तेमाल होता है दिमाग में समझ लो एक तो कोई काम होने दो तब लगाते हैं लेट 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 हिम हिम गो गो मी टॉक इस तरीके से और एक कोई परमिशन देना उसे जाने दो मैं उसे जाने देता हूं है ना मैं उसे खाने देता हूं वह मुझे आने देता है इस तरीके से आगे प्रैक्टिस में और क्लियर हो जाएगा देखिए यहां पर इसका फॉर्मूला क्या है लेट का जब हमें लगाना हो कि हमें कोई काम करना है तो आगे लेट लगाओ लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाओ उसके बाद क्या लगा दोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मुझे खाने दो तो क्या बोला लेट मी ईट इसका सेंटेंस आप बनाइए मुझे खेलने दो ये सेंटेंस आपके हवाले ये सेंटेंस आपके हवाले बनाओ 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 सबसे पहले कौन बनाएगा बहुत बढ़िया बहुत शानदार नंदनी धीरज पूर्वी आरती विशाल गोलू वेरी गुड खुशबू जय स्मृति संजीत नरवरे उदय राहुल रमेश अरुणाधा बिट्टू वेरी गुड बहुत बढ़िया दिव्या सभी के आंसर सही हैं ऑल आर राइट बहुत बढ़िया प्रैक्टिस में अब स्पीड के साथ भाग रहे हो तो इनको बनाना है भाई बनाएंगे तभी तो सीखेंगे मुझे खाने दो लेट मी मुझे जाने दो देखो जाने दो दो के लिए क्या लगाओगे समझो दो के लिए क्या लगाया लेट क्या लगाया दो के लिए लेट लगाया उसके बाद मुझे को बोलते हैं मी तो लेट मी और खेलने को क्या बोलते हैं प्ले सेंटेंस क्या बन गया दोस्तों लेट मी प्ले सभी के आंसर सही है कॉन्ग्रेचुलेशन टोटल प्रैक्टिस सेशन है मजा नहीं आया तो पैसा वापस उसे कपड़े धोने दो कैसे बोलेंगे फटाफट बताओ उसे कपड़े धोने दो आंसर आ चुका है आरती आरती कॉन्ग्रेचुलेशन आपका आंसर सही है सबसे पहले आरती का आंसर आया ठीक है उसे कपड़े धोने दो सबसे पहले क्या लगाओगे यहां पर लगा दो लेट उसे को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में उसे को बोलते ही इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गया हिम हो गया तो यहां पर क्या आ जाएगा लेट हिम वॉश और ऑब्जेक्ट क्या है कपड़े तो क्या बोलेंगे लेट हिम वॉश क्लोथ समझ में आया लेट हिम वॉश क्लोथ चलिए अगला सेंटेंस उसे जाने दो ये तो मैंने बता दिया उसे जाने दो कौन बताएगा सबसे पहला आंसर आया है कोमल कोमल का शायद है एक और कोई ऊपर निकल गया कोमल के पहले कोई निकल गया उसे जाने दो कोई काम होने दो तो लेट लगाना है सबसे आगे क्या लगा दोगे बताओ सबसे आगे लगा दोगे लेट लेट हिम गो समझ में आ गया कैसे बनाना है दोस्तों अंग्रेजी ना पढ़ाने से नहीं आती अंग्रेजी प्रैक्टिस करने से आती अगर आप चैट में मोबाइल लेके बैठे हो ना तो ऐसे हेडफोन लगा के मोबाइल लेके बैठो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपका फायदा है मेरा नहीं रात रात भर बाबू सोना से प्रैक्टिस करने से अच्छा है चैट करने से अच्छा है यू प्रैक्टिस विद मास्टर डी दिस विल इंप्रूव योर इंग्लिश एंड आई गारंटी दैट आई विल मेक यू फ्लुएंट इन इंग्लिश ये वादा सिर्फ हम करते हैं क्योंकि हम मेहनत करते हैं ये पीपीटी आपको फ्री में दूंगा समझ में आया अगला सेंटेंस आने वाला स्क्रीन पर देखते हैं सबसे पहले कौन बनाएगा ये रहा मुझे अपनी सफाई पेश करने दो बनाओ मुझे अपनी सफाई पेश करने दो बताओ बताओ बताओ, बताओ भाई इसको कौन बनाएगा अब बताओ कठिन वाला आया है अब आएगा ना मजा मुझे अपनी सफाई पेश करने दो बनाओ भाई मुझे अपनी सफाई पेश करने दो जो जीता वही सिकंदर करेक्ट आंसर आ गया है जय राठौड़ कांग्रेचुलेश जय राठौड़ का राइट आंसर है मुझे अपनी सफाई पेश करने दो राइट आंसर बाय जय राठौड़ है ना तो देखो मुझे के लिए आपने सबसे पहले लेट लगाया लेट क्यों लगाया ये दो शब्द के लिए लेट उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मुझे को बोलेंगे मी लेट मी और सफाई पेश करने को बोलते हैं एक्सप्लेन लेट मी एक्सप्लेन और अपनी तो माई सेल्फ तो आंसर क्या आएगा लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ मुझे अपनी सफाई पेश करने दो अगले तीस दिन तक रोज ऐसे ही रात को आठ बजे लाइव आऊंगा और साठ से सत्तर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा और साठ क्वेश्चन की शीट देके जाऊंगा होमवर्क के रूप में इसलिए निवेदन है रोज रात को आठ बजे आ जाना और इंग्लिश सीखना परिवार के साथ क्योंकि ये पारिवारिक क्लास है छोटे हो या बड़े बूढ़े हो या जवान सबके लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है तो मी एक्सप्लेन माई सेल्फ मुझे बाहर नाचने दो मुझे बाहर मुझे बाहर नाचने दो कौन बताएगा मुझे बाहर नाचने दो किसका आंसर भैया जल्दी ओहो क्या बात है बहुत ज्यादा आंसर्स आ गए आई कुड नॉट रीड पर एक आंसर लेता हूं दिव्या का दिव्या राइट आंसर मुझे बाहर नाचने दो तो लेट मी डांस आउटसाइड क्या आएगा राइट आंसर लेट मी डांस आउटसाइड एक साथ बोलेंगे सभी क्या बोलेंगे लेट मी डांस आउटसाइड लेट मी डांस आउटसाइड जोर से बोलेंगे क्या बोलेंगे लेट मी डांस आउटसाइड एक बार रिपीट करेंगे तो उससे याद हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर हमें वहां देखने दो कौन बनाएगा हमें वहां देखने दो हमें वहां देखने दो किसने बनाया धीरे करो यार वेरी गुड हमें वहां देखने दो हैदर हैदर अली कॉन्ग्रेचुलेशन आपका राइट right आंसर है हैदर हमें वहां देखने दो तो देखिए दो के लिए क्या लगाएंगे लेट लगाएंगे लेट लेट अस लेट अस सी देयर ये आंसर था लेट अस सी देयर लेट अस सी देयर हमें वहां देखने दो लेट अस सी देयर बहुत बढ़िया लाइक like कर दो लाइक like, लाइक like, और फटाफट मास्टर ऐप डाउनलोड कर दीजिए डाउनलोड मास्टर ऐप फटाफट चैट में लिंक शेयर करो मास्टर मास्टडी ऐप की लिंक शेयर करो चैट में हमें वहां देखने दो लेट अस सी देयर अगला उसे हंसने दो देखिए इसको कैसे बनाएंगे उसे को क्या बोलते हैं उसे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसे को बोलते हैं ही लड़का हो तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगा हिम तो लेट हिम लाफ ये मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है लेट हिम लाफ फटाफट आ जाइए सब लोग फ्लुएंट इंग्लिश सीखना है बेसिक से पढ़ाऊंगा लेकिन सिखाऊंगा फ्लूएंट ठीक है तो ये पांच क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन हमने क्या मजा आया कि नहीं आया चैट में लिखिए मजा आया कि नहीं आया पढ़ाने से अंग्रेजी नहीं आती है अंग्रेजी प्रैक्टिस करने से आती है आप प्रैक्टिस कम कम कैसे बनाओगे मुझे कम से कम बात करने दो देखो कम से कम के लिए एक शब्द आता है जो पहले लिखेगा उसको उसका नाम अनाउंस होगा फटाफट बनाइए मुझे कम से कम बात करने दो मुझे कम से कम बात करने दो जल्दी वेरी गुड राइट आंसर यार नाम ही निकल गया रोहित कुछ नाम था नाम निकल गया आगे चैट इतना फास्ट हो रहा है नाम निकल गया आई एम सॉरी नाम निकल गया है ऊपर सबसे ऊपर नाम निकल गया है चलिए आंसर देखते हैं मुझे कम से कम बात करने दो तो दो के लिए क्या लगाएंगे लेट ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है लेट मी लेट मी ठीक है लेट मी और बात करने को क्या बोलते हैं टॉक तो देखिए यहां पर मी टॉक मुझे बात एट लीस्ट कम से कम को बोलते हैं लीस्ट अरे कम से कम मुझे बात तो करने दो लेट मी टॉक एट लीस्ट क्या आएगा मी टॉक एट लीस्ट कम से कम मुझे बात करने दो सभी के राइट right आंसर है सभी के आंसर पढ़ लिए आगे देखिए दसवा क्वेश्चन पहले हमें हालात को समझने दो पहले हमें हालात को समझने दो बताइए मैं आप मोबाइल में देखता हूं पकड़ में नहीं आता है पकड़ में नहीं आता चलो अब बताइए पहले मुझे अब बताइए पहले हमें हालात को समझने दो पहले हमें हालात को समझने दो जानवी का राइट आंसर और रोहित खान यस रोहित खान एंड जानवी और विनीता इन तीनों के राइट आंसर है उसके पहले अक्षिता अक्षिता का भी राइट आंसर है कौशल का भी राइट आंसर है चलिए चार पांच लोग विनर हैं कॉन्ग्रेचुलेशन बनाते हैं चलिए देखो जब भी अंग्रेजी में ऐसा है कि कोई काम करने दो तब तो हम लेट का इस्तेमाल करते हैं तो आगे लगा देंगे लेट और उसके बाद हाँ, लेट ये हमें है ना तो लेट अस अंडरस्टैंड लेट अस अंडरस्टैंड लेट अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन सिचुएशन और पहले को बोलेंगे फर्स्ट लेटेस्ट अंडरस्टैंड दिचुएशन फर्स्ट लेटेस्ट अंडरस्टैंड सिचुएशन फर्स्ट बहुत बढ़िया मेरे सामने स्क्रीन लगी है। बहुत सारी कमेंट्स आ रही है एक नाम कोई सा भी उठा लूंगा ड्रीम आईपीएस ऑफिसर ये बच्ची बहुत पुरानी जिसका ड्रीम है आईपीएस बनना आपका आंसर भी सही है वेरी गुड उत्कर्ष यादव करेक्ट आंसर प्रवीण पूर्वी सुनीता संदीप दिव्या सभी के राइट आंसर्स हैं ऑल हैव राइट आंसर्स चलिए हमें खाना खाने दो कैसे बनाएंगे तो देखो दो के लिए क्या लगाएंगे लेट अब हमें चाहिए सब ऑब्जेक्ट तो तो यहां पे ये जो वी वी है ना हमें को बोलते हैं वी, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेटस की फर्स्ट फॉर्म ईट और खाने को बोलते हैं फूड अगला सेंटेंस उसे नाचने दो ये तो बहुत सिंपल है उसे नाचने दो बताओ पहला आंसर किसका आएगा उसे नाचने दो ओके आ गया है आंसर पता नहीं किसका आया उसे नाचने दो है ना तो लेट हर डांस अगर लड़की है तो हर लड़का है तो लड़का है तो हिम लेटेस्ट डांस फटाफट आंसर दीजिए देखो मेरा ऐसा मानना है अब अगली सीट आएगी मैंने कहा था ना पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा अभी आज की क्लास में हम समझ रहे हैं हाउ टू यूज लेट एंड लेट्स हमने पहले कंसेप्ट समझा फिर हम क्या कर रहे हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सही तरीका यही होता है मैं आपको सारी प्रैक्टिस आप कठिन लेवल लेवल होगा आप लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे देखिए नेगेटिव आने वाला है आप लेवल बढ़ेगा अगले पांच मिनट दीजिए पहले कंसेप्ट समझाऊंगा फिर आपको प्रैक्टिस करना है दब, दबाकर देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है जब हमें लेट का नेगेटिव बनाना हो तो हमें डोंट का इस्तेमाल करना है किसका करना है डोंट का स्ट्रक्चर देखिए ये सारे नोट्स आपको दे दूंगा फ्री में डी एप डाउनलोड करिए वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दी हुई है हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसकी लिंक है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए जो डिस्क्रिप्शन में उसी से ज्वाइन करना तो ही आप सही जगह जाओगे देखिए डोंट आपने क्या लगाया डोंट आगे लगाना है जब नेगेटिव बनाओगे ना जब आपको बोलना हो कि उसे जाने मत दो उसे खाने मत दो उसे नाचने मत दो तो आपको डोंट आगे लगाना है डोंट आगे लगाया उसके बाद आपको लेट लगाना है फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होती है जैसे आई सब्जेक्टिव है तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वी मी होता है वी सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस होता है दे सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है देम होता है ऐसे सारा चार्ट मैंने कल आपको समझाया था देखिए डोंट प्लस लगाना है लेट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट सबका सब सेम रहेगा नेगेटिव बनाओगे तो आगे डोंट लगा देना

उसे मोबाइल मत खरीदने दो कौन आंसर देगा सबसे पहले उत्कर्ष यादव वेरी गुड गुड जॉब दिव्या विशाल लक्ष्य ज्योति जय धर्मेंद्र अरुण वेरी गुड अमृतेश सभी के आंसर्स करेक्ट हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पसीना जैसे मुझे आता है वैसा पसीना आपको भी आना चाहिए तभी तो मजा आएगा अपने हाथों को सही जगह इस्तेमाल करो इन हाथों से इतिहास बचा जाता है ठीक है तो उसे मोबाइल खरीदने दो इज गिविंग मी आंसर विकास नंदनी रविंद्र मोबाइल मत खरीदने दो तो देखो दो के लिए अब ये मत के लिए क्या लगाओगे डोंट फिर लगाओगे डोंट लेट उसे को बोलेंगे हिम क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए है ना तो डोंट लेट हिम बाय मोबाइल डोंट लेट हिम बाय मोबाइल अगला क्वेश्चन उसे बात मत करने दो टोटल प्रैक्टिस सेशन अवेलेबल सिर्फ मास्ट स्टडी पर उसे बात मत करने दो तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे डोंट लेट डोंट लेट हिम डोंट लेट हिम टॉक वेरी गुड अगला क्वेश्चन आप करोगे अगला क्वेश्चन आप करोगे उसे खाना मत बनाने दो इसको एक बार सेट ने बनाना है फिर बोल के देखना है मतलब इफ यू मेक अगर यू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश ना बोल के भी देखो क्योंकि बोलना बोलना भी बहुत जरूरी है चलिए किसका आंसर राइट आ गया वेरी गुड गाइस कीप इट अप बहुत बढ़िया शानदार प्रैक्टिस सेशन चलिए इंडियास एक मां चैनल जहां होगी टोटल प्रैक्टिस सेंटेंस वाइज प्रैक्टिस उसे खाना मत बनाने दो उसे खाना मत बनाने दो बताइए उसे खाना मत बनाने दो तो कैसे बोलेंगे बताओ बताओ सबसे पहले क्या लगाएंगे डोंट डोंट क्यों लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है मत के लिए डोंट लगाना पड़ा डोंट उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा लेट क्योंकि दो शब्द के लिए डोंट लेट और उसे को बोलते हैं हिम तो डोंट लेट हिम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक फूड बार बार, बार बोलोगे तो जमान पे आ जाएगा डोंट लेट हिम कुक फूड क्या बोलोगे डोंट लेट हिम कुक फूड फटाफट लाइक कर दीजिए लाइक करिए गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए सिर्फ लाइक चाहिए एक लाइक चाहिए ये सारी क्लासेस प्लेलिस्ट बना दूंगा अगर आपने अभी तक डे वन की क्लास अटेंड नहीं किए कल हमने डे वन पढ़ा था डे वन की क्लास जरूर अटेंड करें ये एडवांस इंग्लिश कोर्स है थर्टी डेज का इसके पहले तीस दिन का मैंने बेसिक क्लास पढ़ाया था वो तीस दिन का बेसिक क्लास अवेलेबल है मास्टर डी जाएंगे ना यूट्यूब चैनल पर तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा थर्टी डेज स्पोकन इंग्लिश क्लासेस वो बेसिक है ये एडवांस थर्टी डेज का है बच्चों ने बोला कि सर आपने तीस दिन का बेसिक पढ़ाया एक बार एडवांस ले आइए निवेदन किया बार बार बोलते रहे उनकी तर्ज पर दिन भर मेहनत करके ये बहुत बढ़िया शीट बनाई है आपके लिए और आपको दे दूंगा मैं आपके मोबाइल में फ्री में चलिए इनको करिए चलिए अगला सेंटेंस कौन बनाएगा उन्हें भागने मत दो भाग जाएंगे वो फटाफट उन्हें भागने मत दो उन्हें भागने मत दो देखते कौन नहीं भागने देता है ओके पहला आंसर आ गया है जय राठौड़ जय राठौड़ वेरी गुड जय राठौड़ एंड ड्रीम आईपीएस ऑफिसर ओके ओके राधा साक्षी जय राठौड़ इज द राइट आंसर जय राठौड़ ने राइट right आंसर दिया है कांग्रेच जय राठौड़ उन्हें भागने मत दो कैसे बनाएंगे अगर इसको इंग्लिश में बोलना हो कोई भाग रहा हो तो भागने मत देना उनको बोलना तुम्हारी शादी घड़ी करवा देंगे भागो मत मां बाप का नाम खराब होता है सुधर जाओ तो उनको बोलो घरी करवा देंगे अठारह साल इक्कीस साल के हो जाओ पहले ठीक है तो चलिए उन्हें भागने मत दो तो कैसे बोलेंगे ले पहले क्या लगा देंगे मत के लिए क्या लगाना पड़ेगा डोंट उसके बाद लगा देंगे लेट डोंट लेट देम डोंट लेट देम रन डोंट लेट देम रन डोंट लेट, लेट देम रन उन्हें भागने मत दो डोंट लेट देम रन सभी के करेक्ट आंसर है बहुत बढ़िया शानदार अगला सेंटेंस उन्हें परीक्षा में नकल मत करने दो उन्हें परीक्षा में नकल मत अब बनाओ ना भाई तुम तो पहले ही बना देते हो वेरी गुड नकल करने को क्या बोलेंगे चीट या चैट अरे चीट बोलते कौशल राइट आंसर वेरी गुड हैदर अली गुड जॉब साक्षी दुर्गा रोहित रोहित खान राइट right आंसर सभी के राइट आंसर से बहुत बढ़िया बहुत शानदार प्रैक्टिस देखो खुद बनाते ना बच्चे तो खुद सीखते ये कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अरे क्या फालतू मेहनत करे नहीं भाई वो अगर देखो हमें सेंटेंस मिला अगर हम उसे चैट में बनाएंगे ना तो फायदा पता है क्या होगा हमारा दिमाग में वो चीज जाएगी क्या अच्छा ऐसे बनाते हम जब अपने माइंड को काम पे लगाते हैं ना तभी तो आंसर आते हैं इंग्लिश बोलने के लिए दो काम बहुत जरूरी है जो हम सिखाते हैं बच्चों को एक तो अंग्रेजी का बोलना दूसरा अंग्रेजी का लिखना अब लिखने का समय गया पेन कॉपी लेके कौन बैठता है चैट है मोबाइल है हेडफोन लगाओ और बैठ जाओ और चैट करो भले हमारा आंसर सर देखे कि नहीं देखे पर हम अपने खुद के लिए कर रहे हैं वी आर डूइंग फॉर अवर सेल्फ राइट आंसर उन्हें परीक्षा में नकल मत करने दो बहुत बढ़िया राइट आंसर विवेक चलिए देखते हैं तो क्या बोलेंगे सबसे पहले डोंट डोंट लेट देम डोंट लेट देम चीट या फिर कॉपी डोंट लेट देम चीट या फिर कॉपी इन दी एग्जाम इन दी एग्जाम उन्हें परीक्षा में कॉपी मत करने दो अब मैं बोलूंगा तब अगला सेंटेंस बनाना खुशी ड्रीम आईपीएस ऑफिसर पहले ही बना दिया पहले नहीं यार रुक रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई चलिए स्टार्ट करते हैं अब बनाओ उसे गांव में मत खेलने दो उसे गांव में मत खेलने दो मास स्टडी आपकी लिंक शेयर कर दी है अगर आपने अभी तक मास्टडी एप की लिंक अगर आपने मास मास्टडी नहीं डाउनलोड किया है तो फटाफट डाउनलोड कर दीजिए लिंक चैट में है चलिए उसे गांव में मत खेलने दो उसे गांव में मत खेलने दो उसे गांव में मत खेलने दो बनाओ वेरी गुड राइट आंसर एवरीबडी राइट आंसर गुड जॉब एवरीबडी राइट आंसर एवरीबडी अरे डरा कौन रहा है भाई तुमको क्लास में बहुत बढ़िया किसी ने हाँ निखत ओके ओके राइट आंसर बहुत बढ़िया चलिए उसे गांव में मत खेलने दो उसे गांव में मत खेलने दो तो क्या बोलेंगे डोंट लेट हिम प्ले डोंट लेट हिम प्ले इन दिलेज डोंट लेट हिम प्ले इन दिलेज उसे गाँव में मत खेलने दो यही होगा राइट आंसर अगला सेंटेंस उसे बेमानी मत करने दो बहुत बढ़िया चलो डिसऑनेस्ट नहीं आएगा बेटा उसे बेमानी मत करने दो नहीं, नहीं गलत आंसर डिसऑनेस्ट वर्ड नहीं आएगा बेटा उसे बेमानी मत करने दो हा डिसनेस्ट नहीं आएगा बेटा बेमानी करने को क्या बोलते हैं यस करेक्ट चीट बोलते हैं अरे आप लोग गलत लिख रहे हो भाई उसे बेमानी मत करने दो क्या मत करने दो बेमानी मत करने दो सब गलत सही आंसर लिखो दोस्तों जल्दी बताओ क्या बात है काफी आंसर आ रहे हैं चलिए ओके ओके चलिए चलिए गुड जॉब सभी के आंसर मान लिए देखिए उसे बेमानी मत करने दो तो बोलेंगे डोंट लेट हिम चीट या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो जैसे बच्चे लिख रहे हैं डिसऑनेस्ट तो फिर आपको बी लगाना पड़ेगा बेटा अगर आप अगर आप ना अगर आप डिसऑनेस्ट लिख रहे हो तो फिर आपको बी लगाना पड़ेगा मतलब उसे बेईमान मत होने दो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा डिसऑनेस्ट तो फिर बी लगाना पड़ेगा तो ऐसे बोल सकते हो डोंट लेट हिम चीट उसे चीट मत करने दो या फिर डोंट लेट हिम ये बीट को इसको हटा देना इस चलिए अगला, अगला सीट ये रहा, उसे बाग में घूमने मत दो उसे बाग में घूमने मत दो बताओ कैसे बनाएंगे उसे बाग में घूमने मत दो उसे बाग में घूमने मत, मत दो पहला आंसर किसका आएगा उसे बाग में घूमने मत दो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे बताओ ट्राई करो एटलीस्ट ट्राई करो दिमाग को सोचो प्रेशर करो तो आएगा प्रेशर करो तो आएगा याद हो वेरी गुड वेरी गुड उसे बाग में घूमने मत दो बताओ बताओ बेटा कैसे बनाएंगे कोशिश करो देखो आपको पता है कोई काम होने मत दो तो डोंट लेट आता है तो आप यहां पे लगा देंगे डोंट लेट डोंट लेट हिम और उससे घूमने को बोलते वॉक करना हम गार्डन में क्या करते हैं वॉक करते हैं तो डोंट लेट हिम वॉक इन दी गार्डन बहुत बढ़िया रोज आना शाम को आठ बजे मास्टर स्टडी डाउनलोड करो पिन कमेंट में लिंक है आज सभी के पास मास्ट स्टडी एप डाउनलोड हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत बढ़िया डिस्काउंट देने वाला हूं सारे कोर्सेज पर अगर आप हमारी ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें हम सिखाते हैं इंग्लिश गारंटी के साथ लाइव क्लास में फेस टू फेस जरूर ज्वाइन करें नंबर दिया है नीचे कॉल करके जो भी जानकारी चाहिए ले, ले लेना अभी को तो अभी नहीं तो कल दस से पांच के बीच में कॉल कर लेना चलिए अगला हमें हमें गाना मत गाने दो हमें गाना मत गाने दो कैसे बोलेंगे हमें गाना मत गाने दो तो देखो क्या लगा देंगे आगे डोंट डोंट लेट अस डोंट लेट अस

उसे लड़कों को क्लास में मत आने दो बदमाश है वो तुम जैसे है ना बताओ बताओ चलिए बहुत बढ़िया बनाइए शानदार गुड जॉब साक्षी थोड़ी और स्पीड से बनाओ हैदर अली ड्रीम ओके थोड़ा स्पीड बढ़ाओ चलिए आगे बढ़े मैं राइट बताता हूं लड़कों को क्लास में मत आने दो वेरी गुड वेरी गुड चलिए गुड जॉब सही आंसर आने वाले हैं गुड जॉब चलिए देखते हैं लड़कों को पहले देखो जब भी मत आने दो तो क्या लगाएंगे डोंट लगा दो डोंट और फिर लगा देंगे लेट डोंट लेट द बॉयज कम इन द क्लास कम इन द क्लास समझ में आया डोंट लेट द बॉयज कम इन द क्लासरूम क्लासरूम भी बोल सकते हैं क्लास भी बोल सकते हैं डोंट लेट द बॉयज कम इन द क्लासरूम बच्चों को रोड पर मत खेलने दो हां यह बिल्कुल काम की बात है छोटे बच्चे रहते हैं रोड पे खेलेंगे तो गड़बड़ हो सकती है क्योंकि तुम जैसे लोग ना बहुत गाड़ी उड़ाते हैं ये उत्कर्ष भी गाड़ी बहुत चलाता है तो गाड़ी उड़ाते हो ना तुम लोग तो गाड़ी मत उड़ाया करो तो बच्चों को रोड पर मत खेलने दो आज लोग चैट इतनी फास्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमारा तो नंबर ही नहीं आता है अरे कोई बात नहीं ये बस सोचो कि मैं सिर्फ मेरा सर पड़े तो ही मैं चैट कर रही हूं हम खुद के लिए भी ये काम कर रहे हैं बेटा वी आर डूइंग इट फॉर अवर सेल्फ नॉट फॉर अदर्स ये प्रैक्टिस सेशन में क्यों लाया पता है क्यों लाया प्रैक्टिस सेशन बिकॉज हमें ऐसा ही पढ़ना चाहिए पहले टॉपिक पढ़ो फिर ऐसे कोई प्रैक्टिस करवाए तो इससे इंग्लिश जल्दी इंप्रूव होती है क्यों क्योंकि तो हम खुद प्रैक्टिस करते हैं ना हमारा दिमाग सोचने पर मजबूर होता है अगर बना बनाया खाना दे देंगे तो खाना कैसे बनता है कभी पता ही नहीं चलेगा इसलिए खाना बनाते हुए देखना पड़ता है और चाकू से काटना भी पड़ता है सब्जियां बच्चों को रोड पर मत खेलने दो कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में तो देखो ऐसे बोलेंगे डोंट आगे बोलो जल्दी बोलो डोंट लेट आगे क्या आएगा डोंट लेट बोलो 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 सोचो सोचो दिमाग पे लाओ वे डोंट के बाद क्या लगा लेट अब मुझे क्या चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो डोंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये बच्चों को तो डोंट लेट द चिल्ड्रन डोंट लेट द चिल्ड्रन प्ले ऑन द रोड ऐसा ही आएगा ना डोंट लेट द चिल्ड्रन प्ले ऑन द रोड बच्चों को रोड पर मत खेलने दो कुछ बच्चे गलतियां करते हैं देखो एक बच्चा होना तो हमेशा चाइल्ड लगाना क्या लगाना है एक बच्चे के लिए चाइल्ड लगाना एक बच्चा चाइल्ड और एक से ज्यादा बच्चे हो तो चिल्ड्रन 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 लेकिन में 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 कभी भी एस नहीं लगाना वर्ड अपने आप में प्लुरल है, अपने आप आप प्लुरल है बहुवचन है आदमी को अगर बोल देता है बच्चे खेल रहे हैं चिल्ड्रन आर प्लेइंग अरे चिल्ड्रन नहीं होता है चिल्ड्रन तो खुद ही बहुवचन है उसमें एस लगा के और कितना बहुएं बुलाओगे एक ही बहू नहीं समझती है घर वालों से और बहुएं लगा के और बहू बना दो इसलिए चिल्ड्रन इज इट सेल्फ अ प्लूरल वर्ड बहुवचन वाला वर्ड है डोंट मेक इट चिल्ड्रन चिल्ड्रन इज अ राइट आंसर समझ में आया तो एक वचन होगा तो चाइल्ड होगा एक बच्चा होगा और एक से ज्यादा बच्चे होंगे तो चिल्ड्रन होगा ठीक है चलिए अगला लास्ट अब देखिए लेट्स लेट्स की बारी आती है मजा आया प्रैक्टिस सेशन में ये बताओ बच्चों कि क्या लेट वाला पार्ट कंफर्म हो गया आप बोल दोगे इतनी प्रैक्टिस करने के बाद तो मुंह से निकलना चाहिए उसे जाने दो तो क्या निकलेगा लेट हिम गो उसे आने दो तो क्या निकलेगा लेट हिम यही तो प्रैक्टिस सेशन है मजा आया कि नहीं आया लिखो मजा आ गया लिखो मजा आ गया सर मजा आ गया राइट इट मजा आ गया थैंक यू बोलो मुझे थोड़ा सा क्योंकि अब मैं आपको लेट्स के लिए प्रैक्टिस करवाने वाला हूं गाइस लेट्स की प्रैक्टिस में मजा आएगा ठीक है like लाइक कर दो फटाफट लाइक इट लाइक इट लाइक like करो चलिए लेट्स क्या होता है दोस्तों जब हमें यह बताना हो ऐसे सेंटेंसेस या वाक्य जिनमें हमें बताना हो या कहना हो कि चलो आओ कोई काम करते हैं चलो आओ कोई काम करते हैं तो वहां पर लेट्स का प्रयोग करते हैं लेट्स के नेगेटिव में हम लेट्स नॉट लगाते हैं देखो सिंपल बोलना हो तो आप लेट्स से वाक्य बना दोगे लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाएंगे ना बेटा तो इसमें डोंट नहीं लगाना है इसमें लेट्स नॉट लगाना है समझ में आया कि नहीं आया नेगेटिव बनाना हो तो लेट्स नॉट लगा देना जैसे लेट में डोंट लगाया था इसमें लेट्स नॉट जैसे चलो क्रिकेट खेलते हैं तो लेट्स प्ले क्रिकेट चलो क्रिकेट नहीं खेलते लेट्स नॉट प्ले क्रिकेट समझ में आया चलो गाते हैं लेट्स सिंग चलो नहीं गाते हैं लेट्स नॉट सिंग समझ में आया कि नहीं आया कंसेप्ट क्लियर है छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन कंसेप्ट समझने से अंग्रेजी नहीं आती अंग्रेजी आती है प्रैक्टिस करने से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फटाफट कल सब लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेना मजाक कर रहा हूं चलिए आगे देखिए स्ट्रक्चर क्या है सबसे आगे लेट लगाएंगे, लेट्स। और लेट्स के बाद अच्छा आपको कंफ्यूजन ना हो यह पता है क्या है ये जो लगाए ना कॉमा ये, ये इसका, फु, इसका फुल फॉर्म होता है लेट अस। फुल क्या होता है लेटेस कंफ्यूज लेट नहीं होना है फुल फॉर्म होता है लेटेस ठीक है तो कोई पूछ ले आपको लेट्स का फुल फॉर्म क्या होता है तो लेटेस होता है आगे बढ़ जाते टोटल प्रैक्टिस सेशन रोज शाम को आठ बजे सिर्फ मास्टडी के साथ सारे नोट्स ये जो बने हैं फ्री में डाल दूंगा आपके मोबाइल में टेलीग्राम पर और मास्टडी ऐप पर चिंता ना करना है ना गरीबों की मदद करते हैं चलो गरीबों की मदद करते हैं लेट्स हेल्प पुअर चलो गरीबों की मदद करते हैं तो देखो चलो के लिए क्या लगाना है अंग्रेजी में लेट्स लगाना है उसके बाद लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रहा था लेट में क्या आ रहा था यहां पर लेट्स है इसलिए वर्बारी तो लेट्स हेल्प और गरीबों को बोलते पुअर लेट्स हेल्प द पुअर अब अगला आपकी बारी टोटल प्रैक्टिस सेशन शुरू होता है अब चलो बाजार चलते हैं बनाइए चलो बाजार चलते हैं सभी के राइट आंसर है क्योंकि बहुत सिंपल है चलो के लिए क्या लगा देंगे लेट्स और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेट्स गो कहां जाना है टू मार्केट लेट्स गो टू द मार्केट चलो उसका पीछा करते हैं ये बनाओ भाई तब तक मैं पानी पीता हूं चलो उसका पीछा करते हैं चलो उसका पीछा करते हैं बनाइए बनाइए चलो उसका पीछा करते हैं आप चाहो तो मेरी मास स्टडी की बुक भी खरीद सकते हैं ये सारे नोट मेरी मास्टरडी स्पोकन इंग्लिश की बुक में अवेलेबल है मेरी मास्टरडी बुक की लिंक जो है जो मैंने जो हमारी बुक है वो बुक आपको मिल जाएगी देखो लिंक शेयर हुई है बुक की सबसे ऊपर तो आप बुक में सारे नोट्स आप ले सकते हैं चैट में चलिए चलो उसका पीछा करते हैं कैसे बनाएंगे बहुत सिंपल है पीछा करने को बोलते फॉलो तो देखिए लेट्स लेट्स फॉलो हिम लेट्स फॉलो हिम अगला चलो भगवान की पूजा करते हैं तो कैसे बनाएंगे तो सिंपल है लेट्स वर्शिप गॉड क्या बोलेंगे लेट्स वर्शिप गॉड चलो भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा करने को लेट्स वर्शिप बोलते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चलो गाना गाते हैं इसको बनाओ चलो गाना गाते हैं कैसे बनाएंगे चलो गाना गाते हैं चलो गाना गाते हैं बहुत सिंपल है चलो गाना गाते हैं बहुत आसान है वेरी गुड राइट आंसर ललिता गुड जॉब ललिता वेरी गुड बहुत बढ़िया बना है देखो चलो को बोलते हैं लेट्स क्या बोलेंगे लेट्स और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना सिंग लेट्स सिंग अ सॉन्ग ऐसे ही तो बनाएंगे अगला सेंटेंस चलो किताब पढ़ते हैं यार वाला आएगा चलो किताब पढ़ते हैं बनाओ बनाओ चलो किताब पढ़ते हैं कैसे बनाएंगे तो बनाइए लेट्स और पढ़ने को बोलते हैं रीड लेट्स रीड बुक कैसे बोलेंगे लेट्स रीड बुक वेरी गुड चलो घूमने चलते हैं सच में घूमने जा रहा हूं चल रहे हो चलो घूमने चलते हैं देखते कौन आंसर देगा देखते कौन आंसर ले लिखो भाई लिखो ये मैं सोचो कि मैं कितना पीछे हूं लिखो चैट में लिखो बोल के देखो अंग्रेजी प्रैक्टिस से आती है लाइक करो लाइक और सब्सक्राइब करके आइकन ऑन कर लो ताकि कल जब मैं आठ बजकर पांच मिनट को लाइव आऊं तो आपको सबसे पहले मिल जाऊं चलो घूमने चलें यस yes, घूमने को वॉक बोलते हैं चलिए वेरी गुड लेट्स वॉक लेट्स गो फॉर वॉक ऐसा आएगा लेट्स गो फॉर अ वॉक चलो घूमने चलते हैं लेट्स गो फॉर वॉक राइट आंसर क्या है लेट्स वॉक नहीं आएगा लेट्स गो फॉर वॉक राइट आंसर क्या होगा बेटा लेट्स गो फॉर वॉक लाइक कर दो फटाफट लाइक कर दो अगला चलो कुछ खाते हैं ऐसा भूख लगती है ना बोलते हैं चलो कुछ खाते हैं ये सेंटेंसेस हम ना डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं इसलिए ये मत सोचना कि रहा हमें क्या मतलब लोग अक्सर बोलते हैं माहौल नहीं मिलता है अरे एक घंटे रोज मास्टडी के साथ बिताओ मेरे साथ माहौल दे रहा हूं ना मैं यही तो माहौल है यहाँ अंग्रेजी सुनोगे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे तीस दिन तक अगर आपने ऐसा किया थर्टी डेज तक तो अंग्रेजी आपको आ जाएगी कुछ कठिन नहीं है माहौल यहाँ मिल जाता है माहौल आपके मोबाइल में है इंग्लिश इन्वायरमेंट आपके मोबाइल में है इंग्लिश सीखना चाहते हो मोबाइल खोलो रोज रात को आठ बजे सारे काम छोड़ के खाना बनाते समय खाना खाते समय है ना आप क्या करोगे इंग्लिश सीखोगे सुनोगे देखोगे तो आपको माहौल मिलेगा और ऐसे प्रैक्टिस में करवाऊंगा तो सेंटेंस सुनते सुनते याद भी हो जाएगा अगला सेंटेंस चलो कुछ खा चलो कुछ खाने चलते हैं तो क्या बोलेंगे लेट्स गो चलो चलते हैं लेट्स गो टू ईट समथिंग क्या बोलेंगे ईट समथिंग क्या बोलेंगे टू ईट समथिंग तो सेंटेंस क्या बना लेट्स गो टू ईट समथिंग चलो कुछ खाने चलते हैं इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए तो आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया सेंटेंस बनाए बहुत बढ़िया आपका परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है अब देखिए अब अगला है चलो कार चलाते हैं चलो कार चलाते हैं बेटा चलो कार चलाते हैं कैसे बनाएगा चलो कार चलाते हैं चलिए बनाइए चलो कार चलाते हैं कैसे बनाओगे चलो कार चलाते हैं बनाओ 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 देखिये कैसे बनेगा लेट्स ड्राइव कार लेट्स ड्राइव कार दो पहिया वाहनों तो क्या लगाओगे दो पहिया वाहनों तो क्या लगाओगे राइड ठीक है चार पहिया वाहन या उससे ज्यादा हो तो क्या लगाओगे चार पहिया के लिए क्या लगाओगे ड्राइव अरे ड्राइव नहीं ड्राइव है ना वर्ब्स के फॉर्म्स अगर आपको वर्ब का फॉर्म चाहिए तो आप मेरी बुक खरीद सकते हैं मेरी मास्टर की बुक है बहुत शानदार बुक है चलिए तो लेट्स ड्राइव कार चलो कार चलाते हैं अगला सेंटेंस आओ इस बारे में बात करते हैं यह सेंटेंस आपने कई बार बोला होगा बोला है ना आओ इस बारे में बात करते हैं इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आओ इस बारे में बात करते हैं कौन बताएगा पहला आंसर वेरी गुड उत्कर्ष यादव करेक्ट आंसर वेरी गुड आओ इस बारे में बात करते देखो चैट्स कितनी आ रही चैट में लिखो आंसर मैं पढ़ लूंगा आपका नाम भी पढ़ लूंगा चैट में आंसर लिखो वेरी गुड जो लोग लेट आए हैं कल से टाइम से आ जाना रोज आठ बजकर पांच मिनट को हमारा क्लास चल होता है पांच या छह मिनट हो जाता है कभी कभी साठ मिनट हो जाता है इसलिए बोलता हूं नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि आपको रोज मिल जाए समय पर चलिए वेरी गुड और अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है जरूर देखना अच्छी कॉमेंट छोड़कर वहां पर आना ठीक है चलिए आओ इस बारे में बात करते हैं तो क्या बोलेंगे लेट्स लेट्स टॉक अबाउट दिस लेट्स टॉक अबाउट इट या फिर दिस लेट्स टॉक अबाउट दिस या फिर इट लेट्स टॉक अबाउट इट इसमें बोलते ना अरे चल इस बारे में बात करते भूतों की कहानी के बारे में बात करते क्या बोलेंगे लेट्स टॉक अबाउट इट जैसे किसी ने कहा नहीं और मुझे ना इंग्लिश के बारे में डर लगता है अरे कोई बात नहीं लेट्स टॉक अबाउट इट इसके बारे में बात करते हैं ठीक है अगला सेंटेंस चलो क्रिकेट के बजाय हॉकी खेलते हैं इसको कैसे बोलेंगे हॉकी खेलते हैं कौन बताएगा आंसर बताओ 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 वेरी गुड आर्मी बर्थडे थर्टी थ्री गुड जॉब जय राठौर राइट आंसर दिव्या वेरी गुड बहुत बढ़िया विनीत राइट काफी लोग दिमाग लगा रहे थोड़ा तो प्रेशराइज करोगे ना माइंड को तो बेटा राइट आंसर आ जाएगा देखिए चलो क्रिकेट के बजाय हॉकी खेलते ये बजाय शब्द को बता है क्या बोलते हैं इंस्टीड बोलते हैं क्या बोलते हैं इंस्टीड इंस्टीड बोलते हैं ध्यान रखना इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय क्या होता है के बजाय तो देखो चलो के लिए क्या लगा देंगे लेट तो लेट्स प्ले लेट्स प्ले हॉकी लेट्स प्ले हॉकी फिर यहां पर इंस्टीड ऑफ क्रिकेट इंस्टेड ऑफ क्रिकेट क्या बोलेंगे इंस्टेड ऑफ क्रिकेट लेट्स प्ले हॉकी इंस्टेड ऑफ क्रिकेट ऐसे बोलेंगे Let's play hockey instead of cricket. चलो सर के पास कुछ चर्चा करने चले चलो सर के पास कुछ चर्चा करने चले इसको बना के दिखाओ तो मान जाऊंगा चलो सर के पास कुछ चर्चा करने चले ऐसे कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में बताओ 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 आंसर राइट आंसर सबसे पहले किसका आएगा मैं देख रहा हूं स्क्रीन पर यस yes. अक्षिता का आंसर आया है वेरी गुड सही आंसर लगभग सही आंसर है लगभग सही आंसर है चलिए बताइए राइट right आंसर बताइए इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे चलो सर के पास कुछ चर्चा करने चलें कुछ को बोलेंगे समथिंग तो देखो इसको ऐसा बनाएंगे चलो लेट्स गो टू सर सर के पास जाने के लिए नियर मत लगाना क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं तो टू आता है लेट्स गो टू सर टू डिस्कस समथिंग चर्चा करने के लिए कुछ बात करने के लिए तो टू डिस्कस समथिंग क्या बोलेंगे टू डिस्कस समथिंग लेट्स गो टू सर टू डिस्कस समथिंग समथिंग यानी कुछ बात करना तो इस तरीके से दोस्तों तीस दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे थर्टी डेज में इंग्लिश बोलना सीखे इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अगले तीस दिनों में अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे लेकिन प्रैक्टिस ऐसे करनी पड़ेगी एक एक सेंटेंस को रोज सुनना पड़ेगा ट्रांसलेट करना पड़ेगा अगर आप अगर लिख नहीं सकते ना तो सुनो मैं रोज आठ से नौ आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ना लिख नहीं सकते हो सुनो कुछ नहीं करना है मोबाइल चालू कर दो वीडियो चलने दो लाइव क्लास चलने दो और सुनते जाओ कुछ तो दिमाग में आएगा ना अंग्रेजी का माहौल ऐसे तो मिलता है हमारे घर कोई अंग्रेज आके अंग्रेजी नहीं बोलेंगे हम वीडियो क्लासेस चालू करके ऐसी क्लास कोई चल रही है उसको सुनेंगे रोज सेंटेंसेस ट्रांसलेशंस को दैट विल विल गो इनटू आवर आवर इयर्स एंड दिस मेक चेंजेस इन बॉडी मैकेनिज्म अगला पार्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं अगर आपको बोलना है कि चलो कोई काम नहीं करते हैं। आलसी लोग बहुत सारे रहते हैं अरे यार चल पढ़ाई नहीं करते यार एक काम करते हैं मस्ती करते हैं बाद में पापा के हाथ से मार खा लेंगे है ना ठीक है तो जब नेगेटिव बोलना हो तो आप देखिए सबसे पहले आप लेट लगाएंगे क्या लगाएंगे लेट और लेट के बाद आपको लगाना है नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल देखो दो एग्जाम्पल मैंने करके दिखाए चलो पढ़ाई नहीं करते हैं तो कैसे बोलेंगे तो नहीं करते हैं ना तो ये ध्यान में रखना है अब आगे लिखा लेट्स क्या लिखा लेट्स उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया लेट्स नॉट स्टडी अगर आपको छोटा दिखाई देना तो स्क्रीन को बड़ा कर लो स्क्रीन को बड़ा कर लो फिर भी देख सकते हैं तो लेट्स नॉट स्टडी चलो मूवी नहीं देखते हैं तो कैसे बोलेंगे लेट्स नॉट वॉच मूवी तो नहीं कोई काम करते हैं ना वहां पर आपको नॉट लगाते चलिए आ जाते हैं प्रैक्टिस पर तीसरा क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर करके दिखाइए तब तक मैं पानी भर के लाता हूं डिड यू राइट द राइट आंसर चलो प्रार्थना नहीं करते हैं वेरी गुड वेरी गुड अरे प्रे की स्पेलिंग साइन लिखो भाई देखिए लेट्स नॉट प्रे अगर आपने ये वाला प्रे लिखा तो ये गलत है इसका मतलब होता है शिकार करना ए पी आर ई होता है ना Pre, मतलब होता है शिकार चलो इस बारे में बात करते हैं चलो इस बारे में नहीं सोचते हैं कभी कभी गलत थॉट्स आते हैं तो क्या बोलते हैं अरे यार इस बारे में नहीं सोचते यार। तो कैसे बोलेंगे बताओ राइट right आंसर बताओ चलो इस बारे में नहीं सोचते हैं तो सबसे पहले क्या लगा दोगे लेट्स फिर क्या लगा दोगे नहीं के लिए नॉट ये नॉट है ना नहीं के लिए लगाया लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट इट अगर हमें ऐसे बोलना हो कि चलो इस बारे में सोचते हैं तो क्या बोलेंगे लेट्स थिंक अबाउट इट पर इस बारे में नहीं सोचते हैं लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट चलो कुछ नया नहीं करते हैं चलो कुछ नया नहीं करते हैं तो क्या बोलेंगे लेट्स नॉट not... चलो बताओ आगे तुम बताओ चलो कुछ नया नहीं करते हैं वेरी गुड अरे भाई डू लगाना पड़ेगा डू तो लगाओ डू डू अने करना होता है जय राठौर ठीक है नसरीन वेरी गुड उमेश देव सोनिया बहुत बढ़िया मयूरी ठीक है वीके व्लॉग्स गुड जॉब मिकी वीना नजीर ठीक है बेटा कुछ के नाम नहीं पढ़ पाता हूं चैट्स काफी स्पीड से चलती है तो बुरा मत मानना क्योंकि बहुत मुश्किल होता है है ना सबके नाम पढ़ना बहुत मुश्किल होता है आनंद कुमार ठीक है चलिए देखते हैं लेट्स नॉट आप नया कर यहां पर आपको वर्ब वर्ब लगाने लेट्स नॉट डू समथिंग न्यू क्या बोलेंगे लेट्स नॉट डू समथिंग न्यू अगला सेंटेंस देखो चलो हमला नहीं करते हैं चलो हमला नहीं करते हैं तो क्या बोलेंगे लेट्स नॉट अटेक चलो हमला नहीं करते हैं तो क्या बोलेंगे लेट्स नॉट अटेक वेरी गुड जॉब चलिए अगला सेंटेंस आओ ड्रिंक नहीं करते हैं आपने ये जरूर बोला होगा चलो आओ ड्रिंक करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं खराब लोग हैं तो उसको बोलना कि ड्रिंक नहीं करते बाबा वरना क्या होगा चढ़ जाएगी और बाद में कूटे जाओगे इसलिए कभी भी ड्रिंक नहीं करना तो आओ ड्रिंक नहीं करते हैं चलिए कौन बताएगा इसको आर्मी मैन ठीक है राजू वेरी गुड वेरी गुड गुड जॉब बताइए राइट आंसर बहुत बढ़िया आओ ड्रिंक नहीं करते कैसे बोलेंगे इंग्लिश में तो बोलेंगे लेट्स नॉट ड्रिंक बहुत सिंपल है इसको ज्यादा सोचना नहीं है लेट्स नॉट ड्रिंक चलो ड्रिंक नहीं करते हैं लेट्स नॉट ड्रिंक चलो पेड़ों को नहीं काटते हैं इसको कैसे बनाओगे चलो पेड़ों को नहीं काटते हैं लाइक करिए फटाफट लाइक करिए चलो पेड़ों को नहीं काटते हैं तो कैसे बोलेंगे कैसे बोलेंगे लेट्स नॉट लेट्स नॉट कट ट्रीज लेट्स नॉट कट ट्रीज चलो पेड़ों को नहीं काटते हैं अगला चलो वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं चलो वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं अगर बताइए आंसर बताइए चलो वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करते कैसे बताओगे चलो वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं बोलो 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 वेरी गुड देखो जो टेक्निकल चीजें हैं ना उनका इस्तेमाल करने के लिए हम यूज लगाते हैं बेटा क्या लगाते हैं यूज जैसे मोबाइल यूज करना मोबाइल चला रहा हूं तो आई एम यूजिंग मोबाइल कंप्यूटर चला रहा हूं तो आई एम यूजिंग कंप्यूटर इस तरीके से देखो चलो वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कैसे बोलेंगे लेट्स नॉट यूज वाईफाई लेट्स नॉट यूज वाईफाई चलो यहां खाना नहीं खाते हैं तो कैसे बोलेंगे लेट्स नॉट ईट चलो यह खाना नहीं खाते लेट्स नॉट ईट दिस फूड यह खाने को बोलेंगे दिस फूड लेट्स नॉट ईट दिस फूड कैसे बोलेंगे लेट्स नॉट ईट दिस फूड वेरी गुड गुड जॉब अगले सेंटेंस चलो बच्चों को नहीं पीटते हैं चलो बच्चों को नहीं पीटते हैं बनाइए बताइए चलो बच्चों को नहीं पीटते हैं वेरी गुड गुड जॉब गुड जॉब वेरी गुड बहुत बढ़िया सही आंसर आ चुके हैं चलिए लेट्स लेट्स नॉट बीट चिल्ड्रन अगला चलो वहां नहीं झाकते हैं लेट्स नॉट बताओ झांकने को क्या बोलते हैं बहुत कम बच्चों को पता होगा को क्या बोलते हैं बहुत कम बच्चों को बताओ वहां नहीं झांकते हैं प से आंसर आएगा प से बताओ आंसर आएगा अरे पी आई पी नहीं होता है पी डबल ई होता है बेटा स्पेलिंग सही लिखो झांकने को बोलते हैं पीप क्या बोलते हैं सी नहीं आएगा बेटा झांकने को पीप बोलते हैं पी डबल ई पी पीप तो क्या बोलेंगे चलो वहां नहीं झांकते लेट्स नॉट पीप देयर लेट्स नॉट पीप देयर अगला चलो घड़ी नहीं बेचते हैं चलो घड़ी नहीं बेचते हैं कैसे बोलोगे चलो घड़ी नहीं बेचते हैं लेट्स नॉट सेल वॉच है ना लेट्स नॉट सेल वॉच चलो घड़ी नहीं बेचते हैं अगला सेंटेंस चलो उन्हें फल नहीं देते हैं ये बताओ चलो उन्हें फल नहीं देते ये अगला बताओ चलो उन्हें फल नहीं देते हैं कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को जस्ट डू इट मेक इट वेरी गुड वेरी गुड देखो देने को ऑफर भी बोलते हैं क्यू भी बोलते हैं तो आप क्यू लगा रहे हो तो क्यू भी लगा सकते हैं लेट्स नॉट गिव फ्रूट्स लेट्स नॉट गिव देम फ्रूट्स और फल नहीं देने को ऑफर करना भी बोलते हैं पल नहीं देने को क्या बोलते हैं ऑफर करना भी बोलते हैं लेट्स लेट्स नॉट नॉट ऑफर फ़ूड फ़ूड ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात आती है आज की टॉप टेन की हमने आज हमने लेट्स और लेट की प्रैक्टिस की आई होप यू मस्ट आपको जरूर मजा आया होगा रोज ऐसा प्रैक्टिस सेशन होगा तीस दिनों तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जब क्लास खत्म हो जाए तो कमेंट बढ़िया बढ़िया छोड़ के जाना आज की जो टॉप टेन वकैब है बड़ी ही शानदार वकैब है देखो शर्मिले को बोलते हैं कॉय है? क्या आपको पहले पता था ये डिड यू नो बिफोर कि शर्मिले को बोलते हैं कॉय है? रोज आपको ऐसे ऐसे शब्द सिखाऊंगा ना आपने कभी नहीं सीखे होंगे निन्नी का मतलब होता है घनचक्कर वर्ड क्या है निन्नी याद कर लो अगर आपके आसपास कौन घन चक्कर है उसको निन्नी बोलना कल से ठीक है अगला है भोंदू है ना कोई प्रकार का भोंदू आदमी होता है जिसको दिमाग नहीं चलता है बिल्कुल ऐसा होता है कि कुछ भी बोला करो भोंदू तो आप में से कौन भोंदू है तो उसको क्या बोलोगे लंपिश लम्पिश का मतलब होता है भोंदू लंपिश मतलब क्या होता है भोंदू अगला वर्ड है आवारा आवारा को बोलेंगे एस्ट्रे क्या बोलेंगे एस्ट्रे मजा आ रहा है एस्ट्रे मतलब आवारा होता है तुम तो में से बहुत सारे एस्ट्रे भी हो सकते हैं तो आवारा को क्या बोलेंगे एस्ट्रे नसेड़ी ये तुम्हारी बात हो रही है हाँ बिल्कुल तुम्हारी जो छुप रहे हो ना बगल में तुम्हारी बात हो रही है कौन नसेड़ी है उसको बोलना टिप्सी क्या बोलेंगे टिप्सी नसेड़ी को क्या बोलोगे टिप्सी मजा आया ये पांच वर्ड याद हुए कि नहीं हुए आपके दोस्त को बोलो यू आर टिप्सी तुम नसेड़ी हो ठीक है इस तरीके से लंपिस लंपिस मतलब लंपिस मतलब क्या होता है बोंदू बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं मजाक कर रहा हूं मेरी बात का बुरा मत मानना बेटा चलिए अगला देखिए अगला देखिए देखिए रिफ्ट अने होता है दरार रिफ्ट क्या होता है दरार होता है रिफ्ट दरार अगला स्लेव अने होता है गुलाम जैसे किसी का गुलाम बनाते हैं ना तो उसको बोलते हैं स्लेव ठीक है अगला फुलिश अने मूर्ख होता है ये तो आपने बहुत बार बोला होगा फूल फुलिश गिलती यानी होता है दोस्ती और डम माने होता है गंगा ठीक है जो बोल नहीं पाए ये यहां सारे स्पेलिंग मिस्टेक है मुझे लगता है यहां पे बी आना चाहिए डी यू एम बी बी देख लेना आप इसका मीनिंग क्या है डम माने साथ गुंगा ठीक है तो ये सारे वर्ड्स क्या है आज के थे टॉप टेन वर्ड्स ये लिख लेना आपको ये लिख लेना याद से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब ये प्रैक्टिस शीट आपको साठ क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं देखो मैंने आपको इतनी मेहनत से पढ़ाया पिछले डेढ़ घंटे से नॉन स्टॉप बोल रहा हूं ना नॉन स्टॉप बोल रहा हूं एक डेढ़ घंटे से तो आप लाइक करके जरूर जाना बेटा और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताना अभी क्लास खत्म नहीं हुई अभी तो प्रैक्टिस सेशन है बाकी आप मेरे लिए कर सकते हो तो बढ़िया बढ़िया कॉमेंट्स किया करो। कुछ नेगेटिव कॉमेंट्स छोड़ते ना बहुत बुरा लगता है मैं उन्हें ब्लॉक भी कर देता हूं अच्छी अच्छी कॉमेंट्स छोड़ा करो तो आने वाले जो लोग है ना उनको थोड़ा पॉजिटिविटी दो यार

है ना तो ये सारे सेंटेंसेस साठ क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट है यह मैं आपको ऐप पर डाल दूंगा या फिर टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो वहां से आप ले लेना ठीक है अब इसके अलावा देखिए यहां पर यह हमारा कोर्स है ऐसे ही हम ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ाते हैं मास्टरी टीम बहुत बड़ी है तो आप ये हमारा छह महीने वाला बेसिक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स का नाम है बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स क्या नाम है बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स मन हो तो ज्वाइन करना कोई फोर्सफुली नहीं है यहां तो पढ़ा ही रहा हूं यहां रोज पढ़ाऊंगा बेटा यूट्यूब पर कंप्लीटली फ्री है पर आपको लगे कि सर ना मुझे क्लास में पढ़ना है ज्यादा प्रैक्टिस करनी मुझे फेस टू फेस प्रैक्टिस करनी तो आप हमारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर सर, सकते हो ये छह महीने का कोर्स होता है इसकी फीस मात्र साढ़े आठ सौ रुपए है ये छह महीने की पूरी फीस है मतलब लगभग एक सौ पचास रुपए महीने के आसपास आएगा आपको और आप इसमें लाइव क्लासेस लेंगे बेसिक टू एडवांस इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे रोज होमवर्क मिलेगा टीचर आपको फेस टू फेस आपसे बात करेगा और ये हमारा एक्सपर्ट बैच है ऐसे बच्चे ऐसे बच्चे जिनको अंग्रेजी ऑलरेडी बहुत सारी आती मतलब बेसिक आता है पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं अगर आपको ऐसा ग्रुप चाहिए जहां पर 10, 15, 20 बच्चे हो उसमें आप प्रैक्टिस कर पाए तो आप एक्सपर्ट बैच ज्वाइन करिए हमारी ये तीन महीने का बैच होता है तीन महीने में आपको हम एडवांस लेवल के कॉन्वर्सेशन सिखाते हैं रोज लाइव क्लासेस होती है डिबेट करवाते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं सारा कुछ करवाते हैं इस बैच में एडवांस बैच है इसके अलावा अगर आप बेटा पर्सनल क्लास ज्वाइन करना चाहते हो अगर आप अकेले पढ़ना चाहते हो सिंगल पढ़ना चाहते हो कि सर मुझे अकेला ही पढ़ना है है ना क्योंकि मुझे पैसे की दिक्कत नहीं तो हम पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर भी प्रोवाइड करते हैं पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर जिसमें आप अकेले पढ़ सकते हैं मतलब कोई बच्चे नहीं रहेंगे टीचर रहेगा आप रहेंगे और एक महीने दो महीने जितना आपको पढ़ना है आपको ट्रेन करके भेजेंगे तो ये भी लाइव क्लासेस होती है वन टू वन क्लास होती है ये मेरी बुक है मात्र बुक है नाइनटी की ये बुक आप जरूर ज्वाइन कर ले जो मैं पढ़ाता हूँ ना जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसी बुक से पढ़ाता हूँ ये कंटेंट ऑलरेडी बुक में अवेलेबल है तो आप जरूर ये बुक ज्वाइन करें और ये एक बार आप ज्वाइन करेंगे तो आपके मोबाइल आप, में डाउनलोड हो जाएगी मतलब ऐसा नहीं कि ऐप में रह डाउनलोड कर लो उसके बाद आप हमेशा जो है इसे किसी को भी शेयर कर सकते हैं इसके अलावा ये छोटे बच्चों की बैच है जो छोटे बच्चे होते हैं ना सात आठ साल के दस साल के उनकी बैच अलग बना दी दस बारह साल से छोटे बच्चों की ये किड्स बैच है हमारी ये दो महीने तीन महीने का कोर्स होता है आप ज्वाइन कर सकते हैं मंथली भी ज्वाइन कर सकते हैं करने के लिए आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए दो महीने का बैच होता है इसके अलावा बहुत सारी अवेलेबल है अपनी करना हो तो ज्वाइन कर सकते हैं डेली यूज सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसे हम जो डेली रूप में बोलते हैं वो सेंटेंसेज बेटा आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ये हमारा ग्रामर कोर्स है ये ग्रामर कोर्स अभी चल रहा है

गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए पांच व्हाट्सएप ग्रुप में आज आप डाल देना और आप बढ़िया बढ़िया मैं क्लास को एंड करने वाला हूं तो बढ़िया शानदार कमेंट लिख के जाना आपको अच्छी क्लास कैसी लगी मेरे बारे में आप क्या सोचते हो मैं कैसे प्रैक्टिस करवाता हूं तो बढ़िया अच्छे से कमलेश सर कमलेश यादव सर नाम लिख के बढ़िया कॉमेंट छोड़ के जाना अगर आप क्योंकि मैं बोलते बोलते गला दर्द कर रहा है पर मैं फिर भी बोल रहा हूँ तो अच्छी कॉमेंट छोड़ के जाना बेटा मैं पढ़ूंगा उसे लाइक जरूर करूंगा अगर लाइक कर दिया तो समझ जाना कि मैंने तुम्हारी कमेंट पढ़ लिए सोने से पहले रोज सारी कमेंट्स पढ़ता हूं ठीक है और कल की क्लास नहीं देखी हो तो कल की क्लास देखना बाकी कल मिलेंगे आठ बजकर पांच मिनट के आसपास मिल जाएंगे कल थैंक यू सो मच सी टुमारो डाउनलोड मास्टर ऐप जय हिंद